हे नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटेल डिजिटल ट्रिक्स में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया होने वाले, क्योंकि एक ऐसा शानदार एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पे आने वाले सभी एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जी हां, जब भी आप अपने मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहां पर सबसे पहले आपको एड देखने को मिलते हैं, तो आप लोग अपने एप्लीकेशन के एड्स को बंद कर सकते हो। और आप किसी भी ब्राउजर पे जाते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो वहां पे भी आपको ढेर सारे पॉपअप एड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा कमाल का इंटरेस्टिंग सीक्रेट एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिसके मदद से आप अपने मोबाइल पे सभी आने वाले एड्स को एक चुटकी में ब्लॉक यानी बंद कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप उस सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो ना, तो मेरे साथ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ऐसा एप्लीकेशन दोस्तों आपको YouTube में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लोगों जिनके मोबाइल पे एड देखने को मिलते हैं सभी एप्लीकेशन पे या कोई ब्राउजर पे, तो इसके लिए वो एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए तो मैं वीडियो कर लेता हूं स्टार्ट। मेरा नाम है सुनील पटेल और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो ये लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो ये घंटा है तो इसको दबा लें। घंटे दबाने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल पे ऐड आते हैं या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहां पे ऐड देखने को मिलते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से सभी एड्स को एकदम रोक सकते हो। तो कैसे, तो चलिए दोस्तों, मैं इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर ये दोस्तों आपको यहाँ पे बंद होगा, तो सिंपली आपको इसको इनेबल करना। जैसे आप इसको इनेबल करें तो आपको यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन होगा। फिर आपको दोस्तों यहां पे कुछ भी नहीं करना, अब आपके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन वर्क करना शुरू कर दिया है। और फिर दोस्तों, ये करने के बाद आपको अपने मोबाइल पे सेटिंग क्या करनी है, सिंपली आपको यहां पे जो तीन लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पे ऐप देखने को मिले, जिस ऐप के आप ऐड बंद करना चाहते हैं सिंपली आपको इस ऐप को यहां से सिलेक्ट करना, एप्लीकेशन यहां पे जाकर सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है सिंपली आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन पे जाना है। यहां पे सिंपली जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, जब तक हमारा ऐप पूरी तरह से ओपन नहीं होता, हमारे यहाँ पे ऐप ओपन होकर आ जाते हैं। आप जिस एप्लीकेशन का ऐड को बंद करना चाहते हैं ना, सिंपली आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन का ऐड बंद करना चाहता, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको ऊपर आ जाएगा बाईपास के ऊपर। यहाँ पे तीन एप्लीकेशन के मैंने ऐड बंद कर रखे हैं, यहाँ पे तीनों एप्लीकेशन पर ऐड आप मेरे को देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप कहते हैं कि अमेजोन के ऐप में मेरे को ऐड देखने को नहीं मिले किसी भी तरह का, या क्लब फैक्ट्री में, या किसी भी तरह या कोई भी एप्लीकेशन पर ऐड देखने को मिले, सिंपली आपको वो ऐप यहां पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं गैलरी में, अगर आप चाहते हैं गैलरी पे कोई ऐड ना दिखे, सिंपली आपको यहां पे अपनी गैलरी यहां पे सिंपली यहां पे कर देना है और आपकी गैलरी ऊपर चली जाएगी। मतलब अब ये आपके मोबाइल पे ऐड नहीं दिखाएगा ये वाली गैलरी अब आपको सिंपली। तो अगर आपके मोबाइल पे यानी कोई बच्चा घर पे, अगर आपको डर रहता है कि मेरा बच्चा यानी कोई वो वाली वेबसाइट ओपन करके देखे ना, सिंपली आपको क्या करना, सिंपली आपको यहां पे नीचे जाना। नीचे नंबर दो, आपको यहां पे ऐड ब्लॉकिंग का ऑप्शन देख रहा है। अगर वैसी वेबसाइट के बारे में बात करो जो गंदी वेबसाइट होती है, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे हॉस्ट लिस्ट में क्लिक करना। जैसे आप यहाँ हॉस्ट लिस्ट में क्लिक करोगे, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे वो ऑप्शन दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मोबाइल पे मेरा बच्चा वो वाली वीडियो ना देखता हो अकेले पे, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको आपको यहाँ पे नो होगा, सिंपली आपको यहाँ पे यस कर देना। जैसे आप यस करें तो आपके ऊपर आ जाएगा, आप समझ जाने कि अब जो भी गंदी वेबसाइट होगी अब उनको वो भी ओपन नहीं होंगे किसी भी ब्राउजर पे। आप इस तरीके से अपने मोबाइल पे बचा सकते हो, और अपने वाले जितने भी मोबाइल पे ऐड आते हैं या कोई भी एप्लीकेशन पे ऐड आता, आप इस तरह से अपने मोबाइल पे आने वाले सभी एड्स को बंद कर सकते हो सिंपली। तो आपको सारी सेटिंग कर देनी, सारी सेटिंग करने के बाद तो अब आप एप्लीकेशन को यहां पे छोड़ देना। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे अब आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको एप्लीकेशन पसंद आया हो ना तो कमेंट में नाइस ऐप लिखना प्लीज। दोस्तों, कमेंट में नाइस ऐप लिख दो ना, तो मेरे को पता चल जाए कि एप्लीकेशन आपको पसंद आया। थैंक यू, तुम्हारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका।